होता है जो घड़ी के कांटों की तरह सिर्फ चलते ही जाता है। तपती धूप में तुम्हें छांव ले आता है, तुम्हारे आंसू पूंछ के अंदर के गम को खाता है, तुम्हारा डर दूर हो उसके खुद का बहादुर रूप दिखाता है। और आज मेरा बेटा मुझसे पूछ रहा है क्या होता है पिता। उधम सिंह नगर के किच्छा में श्री काली पूजा के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में रुद्रपुर विधानसभा से विधायक प्रत्याशी सुब्रत कुमार विश्वास पहुंचे। उन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ काली माता की जय ध्वनि से किया। इस मौके पर सुब्रत विश्वास ने कहा कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो बंगाली समाज को आरक्षण दिलाने, महिला सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार, अच्छी सड़क, निरंकुश शासन और प्रशासन को सही करने का काम करेंगे। दीपावली और सार्वजनिक श्यामा काली पूजा के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय मेले का विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ यहां पर 3 दिन का डांस संगीत का मुकाबला भी होगा। पहले दिन भगवान श्री कृष्ण और शिव और पार्वती की हृदय मोहित करने वाली झांकियां लगेंगी और इसके बाद दूसरे दिन डांस प्रतियोगिता का शुभारम्भ होगा। काली पूजा बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है और यहाँ पर काली पूजा को लेकर हर वर्ष की तरह हर्षोल्लास की तरह मनाया जाता है और यहाँ पर भव्य पूजा किया जाता है। आज यहाँ मंच में सौभाग्य मिला यहाँ पर आने का और यहाँ को लेकर विभिन्न प्रकार से धारणा है कि यहाँ के मंदिर में मांगी हुई मन्नत हमेशा हर किसी की पूरी होती है। तो मैं यहाँ पर रुद्रपुर विधानसभा से आया हूँ और माँ काली से आशीर्वाद लेने आया था कि अगर रुद्रपुर विधानसभा में जीतता हूँ तो गरीबों के लिए कुछ कर पाऊँगा, क्षेत्र के लिए कुछ कर पाऊँगा और जनता के लिए कुछ कर पाऊँगा। और यहाँ के जो कमेटी ने देखा, यहाँ पर जो कार्यक्रम होता है बहुत भव्य कार्यक्रम था और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर कार्यक्रम में भागीदारी करने का सौभाग्य दिया। प्रोग्राम के विषय में कुछ कहना चाहेंगे सर? प्रोग्राम आप लोगों के डांस कॉम्पिटिशन देखा, युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए आप लोगों का जो कार्य है वो बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा कार्य है। जो आप लोगों की पूरी कमेटी मिलकर, युवा कमेटी और सभी लोगों ने मिलकर बुजुर्गों ने जिस प्रकार से कोऑर्डिनेशन में काम किया, यह सीखने लायक है। और नशे को लेकर जो अवेयरनेस आप लोग फैला रहे हैं वो आप लोगों के लिए सराहनीय है।